सुप्रभात बच्चों, कक्षा पांच विषय हिंदी हम देख रहे थे पाठ चार जादू का साम्राज्य। हमने कहानी में अब तक किस तरह से देखा कि किस तरह से डिज्नीलैंड का आविष्कार हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ। जैसे कि 1955 में 17 जुलाई 1955 में अमेरिका के पश्चिमी तट कैलिफोर्निया प्रदेश में लॉस एंजेलिस शहर में डिज्नीलैंड का उद्घाटन हुआ और किस तरह से वहाँ पर जो है उसकी अवधारणा मिकी माउस की अवधारणा जो है किस तरह से की। तो विश्व विख्यात वॉल्ट डिज्नी को कार्टून बनाने का शौक था और उन्होंने किस तरह से एक चर्च के कार्यक्रम में उन्होंने झूले का चित्र बनाने की कोशिश की और वहाँ से ही डिज्नीलैंड का आविष्कार हुआ। उसके बाद हमने कई सारे ऐसे रोमांचक थीम देखे जादू के साम्राज्य यानी मैजिक किंगडम में। वहाँ पे टिकट लेने के बाद मुख्य द्वार आती है, उसके बाद कई सारे थीम आते हैं। तो हमने यहाँ पे थीम पार्क में घूमने के बाद एडवेंचर लैंड देखा जिसमें तुरंत से प्रवेश करते ही जंगल का नजारा देखने को मिलता है। डायनासोर और कई सारे जानवरों की आवाज़ है, रोशनी से उसे रोमांचित किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ने पर क्या होता है वो देखना है। तो देखिए आगे बढ़ने पर घुमाओ लैंड आता है, आगे बढ़ने पर घुमाओ लैंड आता है जहाँ आप छोटी मगर तीव्र गति की बिजली चालित रेल पर बैठकर रॉकेट का मजा लेते हैं। टुमारोलैंड में क्या है कि छोटी मगर तीव्र एक छोटी सी है मगर तीव्र गति से चलने वाली बिजली चालित रेल है जहाँ पे बैठकर हमें ऐसे लगता है जैसे हम रॉकेट में बैठे हैं। सितारों के बीच से होते हुए चांद की यात्रा आपको भविष्य में ले जाती है। ये जो बिजली चालित रेल है उसके आसपास ऐसा नजारा है जैसे यह ट्रेन जो है रेल जो है सितारों के बीच से जाती में जाती हो और हम चांद के दृश्य को बिल्कुल नजदीक से देख सकते हो। इसी के पास है एंडरसिंगलैंड। टुमारोलैंड में क्या होता है, टुमारोलैंड में बिजली चालित रेल है उसमें बैठकर हम घूम रहे हैं तो हमें ऐसे लगता है जैसे हम रॉकेट में बैठे हो, रॉकेट का मजा हम ले रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम सितारों के बीच से यह ट्रेन होती हुई जाती है उसी के साथ चांद और सितारों को बिल्कुल नजदीक से हम देख सकते हैं। उसके बाद जो आता है इसी के पास है फैंटासीलैंड जहाँ कई कल्पनाएं साकार होती हैं। इसी के पास क्या है फैंटासीलैंड है जहाँ कई कल्पनाएं साकार होती है। जैसे आप बिजली चालित छोटी रेल में बिठाकर सुरंग से एक ऐसे कमरे में ले जाए जाते हैं जहाँ आपको यह भ्रम दिया जाता है कि आप गर्म हवा के बड़े से गुब्बारे में बैठे हवा में तैर रहे हो। फैंटेसीलैंड में क्या होता है कि जहाँ कई कल्पनाएं कल्पनाएं छोर छोर साकार किया जाता है। जैसे आप बिजली चालित छोटी रेल में बिठाकर आपको यहाँ पे भी एक बिजली चालित बिजली से चलने वाली छोटी रेल में रेल है जिसमें बिठाकर हमें सुलभ से एक ऐसे सुलभ जमीन के अंदर जो एक जगह बनाई जाती है टनल होता है उसमें से हमें भेजा जाए ऐसे कमरे में भेजा जाता है जहाँ आपको यह भ्रम दिया जाता है। भ्रम मतलब हमें ऐसे धोखा होता है कि आप एक गर्म हवा के बड़े से गुब्बारे में बैठे हो, आजू बाजू जो है हवा जो है गर्म है और गर्म हवा के गुब्बारे में हम बैठे हो और हवा में तैर रहे हैं। नीचे आपको इंग्लैंड की राजधानी लंदन के नजारे दिखाए जा रहे हैं। नीचे आपको क्या दिखाए जा रहे हैं कि इंग्लैंड की जो राजधानी है लंदन उसके नजारे दिखाए जाते हैं। आगे जाए तो बिजली चालित छोटी रेल है, आगे भी बिजली चालित छोटी सी रेल है जिन्हें रायल कहा जाता है। एक यात्रा पानी में होती है जो नाव की आकृति की है। टुमारोलैंड में क्या है, टुमारोलैंड में बिजली चालित की रेल है और उसमें बैठने से हमें ऐसे लगता है कि हम रॉकेट में बैठे हैं। रॉकेट का आपको आनंद वहां पर दिया जाता है। हम चार सितारों के बीच से रेल जा रहे हैं और बड़े आनंद से हम इसका जो इसकी राइड है
ये पानी में से होकर गुजरती है, मतलब यहाँ पे नाव क्या होती है, जैसे नाव बनाए हैं उसमें हम जाते हैं, वो पानी से होकर जाती है और पानी के दोनों तरफ जो है अलग अलग देशों की गुड़िया जो है वो सुंदर नृत्य करती है। बस ऐसा सुंदर करके नजारा जो है वो हमें रोमांच मतलब खुशियाँ देने वाला होता है। एक दूसरी पानी की राइड में पंडु में बिठा कर रंग बिरंगी स्वचालित मछलियों के बीच में ले जाया जाता है। एक दूसरी भी राइड है जिसमें हमें क्या किया जाता है कि पनडुब्बी में बिठाया जाता है और रंग बिरंगी जो मछलियाँ हैं स्वचालित अपने आप चलने वाली है उनके बीच हमें छोड़ा जाता है, जहाँ सागर के भीतर के जीवन तथा जीव धारण का परिचय होता है। सागर के भीतर जो कितनी सारी मछलियाँ जीव होंगे तो उनके बारे में हमें परिचय मिलता है। एक विशेष कार्यक्रम हाइडिंग फिल्मों में कार्टून फिल्म के निम्नों के साथ यात्रा करने का भ्रम और एक विशेष कार्यक्रम में हाइडिंग निम्नों निम्नों जो है एक कार्टून का पात्र है उसके साथ यात्रा करने का भ्रम धोखा ऐसे हमें दिया जाता है। यहाँ सबसे आकर्षक है मिकी टू लैंड, सबसे आकर्षक क्या है मिकी टू लैंड, जहाँ कार्टून की दुनिया के कई विख्यात पात्र मानव जीवन हो जाते हैं। मिकी टू लैंड जहाँ कार्टून की दुनिया के कई विख्यात पात्रों को मानव जीवन हो जाते हैं। आप मिकी माउस और मिनी माउस सबसे आकर्षक क्या है मिकी टू लैंड जहाँ कार्टून की दुनिया के कई विख्यात पात्र हो जिसे प्रसिद्ध पात्र और मिकी माउस हो तो उनको जीवंत किया जाता है, जैसे मिकी माउस हो और मिनी माउस हो। मिनी माउस जहाँ यहाँ पर मिला है मिकी माउस है के घरों के अंदर हम जा सकते हैं, वहाँ पे उनकी रसोई फ्रिज खाने का कमरा सोने का कमरा पढ़ने का कमरा आदि बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है। बहुत बड़ा और बहुत सुंदर आकर्षक जो लैब है मिनी टू लैब, इसमें मिकी माउस जो है ऐसे जनविख्यात पात्रों को जीवंत किया जाता है और उनके घरों के अंदर हमें छोड़ा जाता है। वहाँ पे उनकी जो फ्रिज है रसोई है खाने का कमरा सोने का कमरा पढ़ने का कमरा आदि बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है। पानी की एक बोट राइड आपको विनी द पूह के घर के अंदर की यात्रा कराती है। पानी की एक बोट राइड भी है जो आपको विनी द पूह के घर के अंदर की भी विनी द पूह एक पात्र है उसके घर के अंदर की यात्रा कराती है। कई बड़ी कथाओं के यहाँ महल है, कई बड़ी कथाओं परिया कई सारी परिया है उनके यहाँ पे महल भी है जहाँ सिंड्रेला परी स्लीपिंग ब्यूटी समुद्री लुटेरे स्नो वाइट आदि अनेक कहानियों को जीवंत रूप में दर्शाया गया है। यहाँ जो परिया है सिंड्रेला हो स्लीपिंग ब्यूटी हो समुद्री लुटेरे हो स्नो वाइट हो आदि अनेक कहानियों को भी जीवंत रूप में दर्शाया गया है। कहा जा सकता है कि डिज्नीलैंड दुनिया का हैप्पी लैंड है। डिज्नीलैंड क्या है दुनिया का हैप्पी लैंड है जहाँ छोटे बड़े आदमी पर मनोरंजन और खुशी का अंतहीन अनुभव जिसका अंतहीन अनुभव बड़ा रोमांच देने वाला बड़ी खुशियाँ देने वाला यह अनुभव है और लगता है कि संपूर्ण परिलोक ही धरती पर उतर गया है। इस जादुई साम्राज्य में जगह जगह इन कार्टून के रूप में सजे पात्र आपका स्वागत करते हैं, लोगों के साथ फोटो खिंचवाते हैं। यही नहीं दिन में एक बार दुनिया के अधिकतर देशों की कहानियों तथा परिकथाओं के पात्रों के रूप में सजे लोग संगीत के साथ झूमते गाते नजर आते हैं। किस तरह से यहाँ देखिए परिकथाओं को जीवित किया जाता है, परिकथाओं में सिंड्रेला स्लीपिंग ब्यूटी स्नो वाइट और ऐसे कई सारी कहानियों के जो पात्र हैं उनको जीवित किया जाता है। डिज्नीलैंड जो है दुनिया का हैप्पी लैंड कहलाता है जहाँ छोटे बड़े दोनों ही प्रजाति मनोरंजन करते हैं और इसका जो इस खुशी का जो अनुभव है बहुत ही है और ऐसे रहता है जैसे संपूर्ण परिलोक धरती पर उतर आया हो। इस जादुई साम्राज्य में जगह जगह ये जो है एक साम्राज्य किसका है जादू का साम्राज्य है तो ऐसे लगता है कि कार्टून के रूप में सजे पात्र आपका स्वागत करते हैं, कार्टून के रूप में सजे पात्र हमारे साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं और यही नहीं कि दिन में एक बार दुनिया के अधिकतर देशों की कहानियों के पात्र परिकथाओं के पात्रों के साथ संगीत के साथ लोगों के साथ झूमते गाते हैं। अद्भुत है यह जादू का साम्राज्य, ये जो है जादू का साम्राज्य बड़ा अद्भुत है जहाँ हर चीज नकली है मगर इतनी चतुराई से बनाई गई है कि
रिसर्च होने का मौका है। यहाँ की हर चीज जो है बस हमें भ्रम देती है, हमें धोखा देती है, ये जो है भ्रमित करती है, हमें आकर्षित करती है, पर हर चीज जो है ये धोखा है, ये सत्य नहीं है, पर हमें ऐसे एहसास होता है कि ये सच है। यहाँ सच ही लिखा है कि इस जगह आप आज की चिंता को भुला दीजिए और यह बीते हुए कल की साधारण जिंदगी के मजे लीजिए। या आने वाले कल में कल्पना के पथ लगा दीजिए। यहाँ जाने के बाद मनुष्य अपनी चिंता को छोड़ देता है, बीते हुए कल की साधारण जिंदगी के बारे में या आने वाले कल की कल्पना के पथ लगाकर भूल लीजिए। तो देखिए किस तरह से हमने जादू का साम्राज्य डिज्नीलैंड को हैप्पी लैंड कहा है। तो डिज्नीलैंड यानी कि क्या है कि जादू का साम्राज्य या मैजिक किंगडम, यहाँ आकर बूढ़े जो है बच्चे बन जाते हैं, कई सारे सवालों का आनंद उठाते हैं, यहाँ मानव वाली कथाएं जीवित हो जाती है। इस डिज्नीलैंड का जो उद्घाटन कैसे हुआ, तो 17 जुलाई 1955 में मनोरंजन के इतिहास का यह स्वर्णिम दिन है, तो इसमें डिज्नीलैंड का उद्घाटन हुआ। अमेरिका के पश्चिम तट पर स्थित कैलिफोर्निया प्रदेश में लॉस एंजल्स से शहर में यहाँ स्थान पर यहाँ पे डिज्नीलैंड का उद्घाटन हुआ। इसका उदाहरण क्या है, इसमें जो मिकी माउस है उसको किसने बनाया है, इसकी कल्पना किससे आई, तो देखिए कि विश्व विख्यात वॉल्ट डिज्नी जो है वो बचपन से ही कार्टून बनाने का शौक रखते थे, तो उनकी जो कल्पना है बच्चों को रद्द किया जाता था। एक बार चर्च के पादरी ने उन्हें एक रेखा चित्र बनाने के लिए कहा, वो चर्च के पीछे चप्पल के नीचे बैठकर चित्र बनाने की कोशिश कर रहे थे, तभी कुछ चूहों को वहां पे भाग दौड़ करते देखा और उन्हें मिकी माउस की जो कल्पना है उसका उन्हें आविष्कार हुआ। उसके बाद जादू का साम्राज्य है क्या, तो यहाँ टिकट के लिए मुख्य द्वार से सब लोग जाते हैं, वहाँ पे मेन स्ट्रीट लगती है, वो क्या है अमेरिका की 19वीं शताब्दी की जो विक्टोरियन समय है उसकी जो सड़क थी उसका यह नकल है। उसके बाद वहाँ पे एक मुख्य सड़क से सभी लोग इंजन से चलने वाली, भाग से चलने वाली रेलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, डबल डेकर बस में कहीं भी किसी भी दिशा में जाकर किसी भी दिन कार में बैठा सकते हैं। तो बड़े चौक पर सबसे पैदल जाते हैं, वहाँ जाते ही पहला थीम पार्क स्टेशन पर चले जाते हैं, सबसे पहले लैंड होता है एडवेंचर लैंड जिसमें सुरंग से प्रवेश करकर जंगलों का नजारा देखने को मिलता है। यहाँ पूरा होता है। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आएगा, तो आप इसका अध्ययन जरूर करें।